हेलो एवरीवन यूनिट सिक्स वेव ऑप्टिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए पहले क्या क्या किया वेव फ्रंट क्या होता है हाइगेंस प्रिंसिपल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब समझना है तो पिछले वीडियो देखो और इसमें हम क्या पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन चलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो The phenomena of bending of light around the corners of an obstacle and going into the region of geometrical shadow is called as diffraction. Okay, if diffraction is a general characteristic exhibited by all kind of waves. Essential conditions. are is very important topic. For diffraction to take place, the size of obstacle फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस द साइज ऑफ ऑब्स लेस टू देंथ ऑफ दाइट के में, usually diffraction आपको ऑब्जर्व नहीं होता है क्यों क्योंकि आपको क्या है ऐसा ऑब्जेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल है जिसके डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट्स के बराबर या उससे कम हो ठीक साउंड में इजीली है क्योंकि साउंड की वेवलेंथ जो काफी बड़ी है तो इतनी बड़ी साइज के या इससे कम साइज के ऑब्स्टेकल तो इजीली मिल जाते हैं अगर दो बंदे किसी सेम बिल्डिंग के दो फ्लोर्स पे खड़े होके एक के ऊपर एक के फ्लोर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपको उनकी आवाज तो सुनाई दे जाती है बट आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि डिफ्रैक्शन ओनली साउंड वेव्स का हो रहा है यहां पे एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्रैक्शन फाइनाइट रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई फाइनाइट और लिमिटेड रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ए सी डी बिकॉजी टू ऑब्सर्व डिफ्रैक्शन है क्या क्या मेटेरियल ये दो रेजर ब्लेड चाहिए और उसके बाद आपको एक क्लियर ग्लास बल्ब चाहिए विद स्ट्रेट फिलाेंट जो कि आपका फर्स्ट लेट का, का काम करेगा तो ये दो हो गई आपकी ब्लेड्स ठीक है प्रोसीजर क्या है होल्ड द ब्लेड्स सो दैट द एजेस आर पैरल दिखाई दे रही है एंड हैव ए स्लिट इन बिटवीन ये भी दिख रहा है भाई कीप द स्लिट पैरल टू द फिलामेंट इन फ्रंट ऑफ द आई कर सकते हो एडजस्ट द विथ ऑफ द स्लिट टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स अलॉन्ग विद सम कलर बैंड्स ये तो करके ही देखोगे समझ आएगा न बी मेड क्लियर बाई यूजिंग ए फिल्टर ऑफ रेड और ब्लू फ्रेजनल सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट देख ही रहो कितनी बार पूछा हुआ तो कितना इंपॉर्टेंट है सो कंसिडर एल एन सिंगल स्लेट ए इसकी विड्थ हो गई एम इसका मिड पॉइंट हो गया डी हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन द स्लेटन स्क्रीन हमने एक पैरल लाइट रे ली जो कि आपका एल एन के ऊपर गिर रही है और फिर डिफ्रैक्ट हो जाएगी ठीक है सी पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है एल और एन से सो so, जितनी भी वेव्स एल एम या एम एन से निकलेंगी वो सेम फेज में होंगी और सी के ऊपर क्या बनेगी ब्राइट फ्रिंज बनेगी ठीक है हमने कंसिडर किया कि एक पॉइंट P है स्क्रीन पे जिस पे इंटेंसिटी मुझे निकालनी है और वाई जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन सी एंड पी ये डेलिब्रेटली बाद में आया था ठीक है एंगल थीटा आ गया चलिए कंटिन्यू करते तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा निकालनी है पहले हमने कहा द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स रीचिंग पी फ्रॉम एल एन एन ये पाथ डिफरेंस होगा ठीक है वो होगा एन क्यू जो कि आपका होगा एल पी माइनस ऑफ एन पी ठीक है यानी कि एल एन साइन थीटा यानी कि ए साइन थीटा के बराबर आ जाएगा ठीक है अच्छा अगर ये पाथ डिफरेंस एन क्यू लेमडा के बराबर है तो पॉइंट पी होगा मिनिमम इंटेंसिटी अब ये कैसा अगर पाथ डिफरेंस आपका लेमडा है तो एल से एम के बीच में कितना होगा लेमडा बाई टू और M से N वालियों में कितना होगा लेमडा बाई टू ठीक है तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगी तो क्या बनेगा मिनिमा ही टू लेमडा होगा तो भी लेमडा बाई टू के चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी फिर मिनिमा मिलेगा ठीक है तो जनरल में हम कह सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा किसकी कंडीशन है आपका मिनिमा की चलिए अब सेकेंडरी मैक्सिमा पे आते हैं हमने एक पॉइंट पी डैश किया जो उसके पे फिगर में नहीं दिखाई दे रहा जिसमें पाथ डिफरेंस होगा थ्री लेमडा बाई टू यहाँ आएगी मैक्सिमा कैसे इसमें हमने क्या किया एल एन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू लेमडा बाई टू में पहले दो तो कैंसिल कर गए जो बच गया वो क्या देगा मैक्सिमा अगर आप इसे करोगे फाइव लेमडा बाई टू फिर क्या मिलेगा मैक्सिमा क्योंकि चार कैंसिल हो जाएंगे एक बच जाएगा तो जनरल हम क्या कह सकते हैं ए साइंथीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन ले कंडीशन है मैक्सिमा की ठीक है ये इंपॉर्टेंट नोट है बहुत इंटेंसिटी जो होगी फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा और जो है सेकेंड उनकी कम होती जा रही है क्यों जब फर्स्ट मैक्सिमा आया तो वन थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन था सेकेंड आया तो वन फिफ वन सेवन तो भैया कॉन्ट्रीब्यूशन ही अगर कम हो रहा है तो आपको इंटेंसिटी तो कम ही मिलेगी चलिए ये है आपका पैटर्न देखो सेंट्रल मैक्सिमा फिर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिक्स मैक्सिमा यहां भी देख सकते हो ये हो गई सेंट्रल मैक्सिमा फिर मिनिमा डार्क वाले फिर मैक्सिमा देखो इंटेंसिटी कम होती जा रही है या ये कह सकते हो ये भी वही डायग्राम है विथ्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस ये जो है ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है ठीक है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैमडा क्योंकि एन तो वन हो गया और जब एंगल छोटा होता है तो साइन कॉस कुछ नहीं लेते सिर्फ थीटा लेते हैं तो यहाँ से थीटा आ गया लेमडा बाय ए अच्छा एक और यहाँ से थीटा क्या निकलेगा ये डिस्टेंस यानी कि वाई अपॉन ये डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास निकलता है वाई बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू लेमडा बाय ए यानी कि वाई कितना निकलेगा लैमडा डी अपॉन ए ये डिस्टेंस है वाई अच्छा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो ये टोटल है यानी कि इसका डबल यानी कि टू लैमडा डी अपॉन ए ए अगर इंक्रीज करेगा यानी विथ ऑफ स्लिट इंक्रीज करेगी तो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ डिक्रीज करती जाएगी यानी कि नैरो हो जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेजनल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन एट विच स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स कंपेरेबल टू द साइज ऑफ अपर्चर या डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन ठीक है वाई बाई डीवल टू लेमडा बाई ए होता है फ्रेशनल डिस्टेंस के लिए y इक्वल टू a हो जाएगा यानी कि मेरे पास कितना निकलेगा zf इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा यानी कि कैपिटल d की बात हो रही है यहाँ, जिसे हमने zf कहा यहाँ? अगर आपका डिस्टेंस zf से कम है तो स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रेक्शन जो है वो कम होगी साइज ऑफ बीम से इक्वल है तो कंपैरेबल होगी और अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही होगी अरे ऑप्टिक्स का

इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन लॉ इसमें क्या होता है लाइट एनर्जी रि डिस्ट्रीब्यूट होती है यानी कि अगर एक जगह कम हो रही है जिससे डार्क बन रही है तो दूसरी जगह ज्यादा होगी तभी तो ब्राइट तो बनेगी यानी कि ना तो एनर्जी गेन हो रही है ना लॉस हो रही है सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो ही हो रहा है ठीक है द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिज इज अकरिंग इन द ब्रॉड डिफ्रैक्शन पीक डिपेंड्स ऑन द रेशियो डी बाई ए दैट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स टू दिथ ऑफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसे सिंपल भाषा में कहूं तो डिफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है पूछा हुआ कई बार ये डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन देखो भाई कितनी बार पूछा है तो इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू डिस्टिंग सोर्सेज डिफ्रैक्शन ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट इज़ सेम डिफ्रैक्शन में सेम नहीं होती है इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में मिनिमा की ज़ीरो होती है बहुत कम होती है डिफ्रैक्शन में ज़ीरो तो कभी भी नहीं होगी इंटरफेरेंस में फ्रिज विड्थ इक्वल होती है डिफ्रैक्शन में नहीं होती है इंटरफेरेंस में गुड कॉन्ट्रास्ट है डिफ्रैक्शन में नहीं है चलिए एक्नॉलेजमेंट गूगल बिंग एन सबका धन्यवाद और आप देखें नेक्स्ट वीडियो किस पे वही डिफ्रैक्शन के बोर्ड क्वेश्चंस थैंक यू सो मच